इस रूप में हम लोगों ने दबाव बना करके सब काम किए। और ये डेमोक्रेसी होता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं होती। मुझ पर कोई दबाव बनाए, धरना देते हैं बारे में, फिर इस बारे में बच्चे जुलूस निकालते हमारे खिलाफ में, हमें खुशी होती है। कोई तो कम से कम मुझे भी, मेरे मंत्रियों को भी, अधिकारियों को भी आगाह करने साहब, देखो हमारी मांगे आप गौर करो। सरकार के अंदर सैकड़ों प्रायोरिटी होती है, काम होते हैं, प्रायोरिटी बदल जाती है। पर जब आप धरना देते हो, प्रदर्शन करते हो, तो प्रायोरिटी बदलनी पड़ती है, मजबूरी के अंदर देखना पड़ता है कि सही है कि नहीं है, नुकसान क्या उसका है, डेमोक्रेसी है। तो ये कोई हम केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। आज ही मैं कहना चाहूंगा, उनको चाहिए बूस्टर डोज सबको लगे, आप इंतजाम करो, जिसकी आवश्यकता लगे उसको। बच्चों को आपने प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 से 18, उसी दिन दिल्ली में आ रहा था 12 से 18, कन्फ्यूजन हो गया उसके। मैं चाहूंगा कि बच्चों की डोजी शुरू करे, देश इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ गरीबी अमेरिका का बहुत बड़ा अंतर है, गैप बढ़ते जा रहा है, कच्ची बस्तियाँ भी है, ढाणे भी है, गरीब भी है। इस चीनी योजना हमने शुरू की है, कई लोगों में तो पहुंच ही नहीं, इतने गरीब लोग हैं। फ्री योजना है, वो भी अभी तक अपना नाम दर्ज नहीं करवा पा रहे, इतने गरीब लोग हैं। ऐसे मुल्क के अंदर हर बच्चे को बचाएं, हमारी ये सोच होनी चाहिए। इस रूप में हम चाहेंगे, इस रूप में हम लोग सरकार पर दबाव बनाए, जिससे कि राजस्थान का भला हो, देश का ही भला हो, ये हमारी सोच है। बाकी बातें आपको सब कही गई। राजस्थान में मुझे खुशी है, प्रथम डोज जो है 4,67,00,000 लग चुकी है, द्वितीय डोज 3,53,00,000 लग चुकी है, कुल 8,20,00,000 लगी, हम काफी ऊपर है राष्ट्रीय एवरेज से भी, राष्ट्रीय एवरेज में आगे निकल गए हैं, पहली डोज के अंदर भी और दूसरी डोज के अंदर भी। अभी भी हमें विश्राम नहीं करना है, 100% डोज लगे राजस्थान के अंदर, ये हमारा प्रयास है। और उसके अनुसार पूरा प्रयत्न चल रहा है, और करीब 1,70,00,000 बच्ची अभी तक 18+ के लिए, और 54,00,000 का फिगर आया है आपका, ये 15 से 18 साल के बीच का आया, जो आज शुरुआत हो रही है आपके इस सुकून भरे स्कूल के अंदर।